आज हम लोग हिंदी के अत्यंत प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद की ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है उसकी कथा वस्तु का अध्ययन करेंगे। कथा वस्तु को इंग्लिश में प्लॉट कहा जाता है। जैसे फिल्मों का प्लॉट होता है उस प्लॉट के आधार पर फिल्में बनाई जाती है, मतलब उसका जो कथानक होता है, वैसे ही नाटकों का भी एक कथानक होता है, प्लॉट होता है जिसके आधार पर नाटक की रचना की जाती है। तो आज हम देखेंगे ध्रुव स्वामिनी जो कि जयशंकर प्रसाद की अत्यंत प्रसिद्ध नाटक है, उसकी कथा वस्तु क्या है, उसका प्लॉट क्या है। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडा हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। परीक्षा में प्राय यह प्रश्न पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद की ध्रुव स्वामिनी का कथानक क्या है या फिर प्लॉट क्या है। तो यह मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ, बाकी आपको टेक्स्ट बुक को रिफर करना पड़ेगा, बड़ा नोट्स बनाना पड़ेगा आपको, लेकिन मैं आपको संक्षेप में समझा रहा हूँ कि उसकी कहानी क्या है। तो बहुत ही यह रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न श्री जयशंकर प्रसाद हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न इसलिए बोला गया है कि वे एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, कवि हैं, नाटककार हैं, आलोचक हैं, मतलब उनके व्यक्तित्व के बहुत विभिन्न पहलू हैं। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है और ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। तो ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह उनकी बहुचर्चित नाट्य कृति है जिसकी कथा वस्तु गुप्त वंश के यशस्वी सम्राट समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय को बोला जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनके काल से संबंधित है। भारतीय इतिहास में गुप्त वंश में समुद्रगुप्त नाम के एक अत्यंत महान शासक हुए हैं और समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन भी कहा जाता है। तो इनके दो पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बहुत ही सदाचारी, बहुत ही अच्छे शासक थे, लेकिन उनका जो बड़ा बेटा था रामगुप्त, वह क्या था, शराबी था और डरपोक था, बहुत सारी उसके चरित्र में कमियां थी। तो यह नाटक जो है समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल से संबंधित है। नाटक की भूमिका में प्रसाद जी ने इसकी ऐतिहासिकता के प्रमाण दिए हैं। उन्होंने बताया कि मैं जो बता रहा हूं, जो जिस घटना के आधार पर मैं इस नाटक की रचना कर रहा हूं, वह ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक रूप से सत्य है, ऐसा उन्होंने अपनी भूमिका में बताया। उनके अनुसार विशाख दत्त द्वारा रचित संस्कृत नाटक देवी चंद्रगुप्त में यह घटना अंकित है जिसमें ध्रुव स्वामिनी का पुनर्विवाह चंद्रगुप्त के साथ हुआ बताया गया है। मतलब विशाख दत्त नाम के जो राइटर हुए हैं संस्कृत के, उन्होंने देवी चंद्रगुप्तम नाम का एक नाटक लिखा है, उसमें यह घटना बताई है कि ध्रुव स्वामिनी का पहले विवाह किससे होता है, रामगुप्त से। बाद में उनका उससे के साथ डिवोर्स हो जाता है, उनके बाद उनकी शादी होती है चंद्रगुप्त के साथ, पुनर्विवाह, रीमैरिज। तो आगे देखते हैं क्या क्या घटनाएं घटती हैं। सातवीं शती में बाणभट्ट ने भी अपने हर्ष चरित में लिखा है कि चंद्रगुप्त ने नारी वेश में शक शिविर में जाकर शकराज का वध किया। तो साथी बाणभट्ट ने भी लिखा है सातवीं शताब्दी में कि बाणभट्ट ने जो हर्षचरित की रचना की थी, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ है, तो उसमें भी उन्होंने यह बताया है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों के शिविर में जाकर शक जो राजा थे उनका वध कर दिया, नारी वेश में जाकर, महिला का रूप धरकर। शकराज और गुप्त वंश का यह युद्ध इतिहासकारों के अनुसार 374 ईसा पूर्व से 380 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। तो यह लड़ाई उस समय हुई थी 374 ईसा पूर्व से 380 ईसा पूर्व के बीच, शकराज और गुप्त वंश के बीच में यह लड़ाई हुई थी। नाटक की मूल घटना यद्यपि ऐतिहासिक है, तथापि नाटककार ने उसमें कल्पना का समावेश भी किया है। यद्यपि इस नाटक की जो पृष्ठभूमि है वह ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है, लेकिन उसमें जो जयशंकर प्रसाद जी ने उसमें अपनी कल्पना का भी समावेश किया है। तो नाटक के कुछ पात्र जैसे चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, स्वामिनी, रामगुप्त, शकराज, शिखर स्वामी इत्यादि ऐतिहासिक पात्र हैं, जबकि कोमा, मिहिरदेव, मंदाकिनी आदि काल्पनिक हैं और उनकी कल्पना शकराज के अनैतिक आचरण को पुष्ट करने हेतु की गई है। कई बार परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि इसके कौन कौन से पात्र हैं और कौन से पात्र काल्पनिक हैं, कोमा किस नाटक के काल्पनिक पात्र है, इस टाइप के क्वेश्चन प्राय कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आते हैं।
यह इसकी पृष्ठभूमि है कि कुछ पात्र तो इसमें ऐतिहासिक है, जैसे चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी, रामगुप्त, शकराज, शिखर स्वामी, ये ऐतिहासिक पात्र हैं, जबकि कोमा, मिहिरदेव और मंदाकिनी क्या हैं, काल्पनिक पात्र हैं। और उनकी कल्पना शकराज के अनैतिक आचरण, शकराज मतलब जो शकराज शक जो शकों का जो राजा था उसका आचरण अनैतिक था। समग्रतः यह कहा जा सकता है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रसाद जी ने इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय किया है, मतलब इतिहास से उन्होंने अपनी पृष्ठभूमि ग्रहण की है और उसमें कल्पना का समावेश करते हुए बहुत ही बेहतरीन नाटक लिखा है, दोनों का सुंदर समन्वय किया है, इतिहास और कल्पना का। आइए देखते हैं इसका प्लॉट क्या है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा वस्तु, इसका जो प्लॉट है संक्षिप्त है, रोचक है और गतिशील है। बहुत छोटा सा प्लॉट है, बहुत ही रोचक है, इंटरेस्टिंग है और बहुत ही गतिशील है। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने द्वितीय पुत्र चंद्रगुप्त को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया था और उसका विवाह जीते हुए राजा की कन्या ध्रुव स्वामिनी से निश्चित किया था। मतलब समुद्रगुप्त क्या है, बहुत बड़े विजेता थे, तो उस समय उन्होंने यह व्यवस्था बनाई थी कि वे जिस भी राज्य को विजित कर लेंगे, जिस पर विजय हासिल कर लेंगे, तो उस राज्य का जो राजा है वह अपनी पुत्री को इन्हें सौंपेगा। तो ऐसे ही इन्होंने एक राज्य को जीता था, उस राज्य के जो राजा थे उसकी बेटी का नाम था ध्रुव स्वामी। तो ध्रुव उन्होंने समुद्रगुप्त ने यह निर्धारित किया था कि जो ध्रुव स्वामिनी है उसकी उसका विवाह किसके साथ होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साथ होगा, ऐसा उन्होंने निर्धारित किया था, क्योंकि उन्होंने चंद्रगुप्त को अपने द्वितीय पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया था। उनका बड़ा बेटा जो रामगुप्त है बहुत ही नालायक था, बेकार था और शराबी था और अनैतिक कृत्य करता था, तो रामगुप्त क्या है, अयोग्य था, इसलिए उन्होंने अपने जो छोटे पुत्र हैं विक्रमादित्य उसकी योग्यता को देखते हुए उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था और साथ ही यह निर्धारित किया था कि ध्रुव स्वामिनी का विवाह किसके साथ होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साथ होगा। चंद्रगुप्त का बड़ा भाई रामगुप्त अयोग्य, विलासी एवं मद्यप था, मद्यप मतलब शराबी था, अयोग्य भी था, विलासी भी था, विलास में डूबा रहता था एवं मद्यप और शराबी था। किंतु समुद्रगुप्त की मृत्यु के उपरांत शिखर स्वामी नामक षड्यंत्रकारी अमात अथवा मंत्री के सहयोग से रामगुप्त राज्य का उत्तराधिकारी बन बैठा और उसने ध्रुव स्वामिनी से विवाह भी कर लिया। लेकिन इससे पहले कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की शादी उसके साथ हो पाती ध्रुव स्वामिनी के साथ, उसके पहले ही समुद्रगुप्त की मृत्यु हो गई। और जब समुद्रगुप्त की मृत्यु हो गई तो उनका जो बड़ा बेटा है रामगुप्त, उसने क्या किया, अपने एक मंत्री के साथ मिलकर, अपने मंत्री का नाम था, अमात्य का नाम था शिखर स्वामी, उसके साथ उसने षड्यंत्र करके क्या किया, राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। राज्य का उत्तराधिकारी एक्चुअल में कौन था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था उनके पिता के हिसाब से, लेकिन इन्होंने षड्यंत्र करके खुद ही उत्तराधिकारी बन बैठा। और उत्तराधिकारी बना तो उसने ध्रुव स्वामिनी के साथ विवाह भी कर लिया, क्योंकि उत्तराधिकारी को ही शादी करना था। चंद्रगुप्त पारिवारिक विग्रह लड़ाई झगड़ा की आशंका से शांत बना रहा और उसकी वाग्दत्ता अर्थात वह कन्या जिसकी शादी पक्की हो चुकी है अर्थात पीएनसी दूसरे की पत्नी बन गई। चंद्रगुप्त नहीं चाहता था कि परिवार में लड़ाई हो, मतलब चंद्रगुप्त नहीं चाहता था कि उसके बड़े भाई रामगुप्त के साथ उसकी लड़ाई हो, पारिवारिक कलह हो, इसलिए वह शांत रहा। तो और उसके बाद शांत रहने का कारण क्या हुआ, इसकी जो फियांसी है, जो उसके मंगेतर है जिसको इन्होंने वाग्दत्ता लिखा है, तो उनकी जो फियांसी है उसकी शादी किसके साथ हो गई, रामदत्त के साथ हो गई। तो इनके साथ हो गए, रामगुप्त के साथ उसकी शादी हो गई। इस समय एक और घटना हो रही थी, साथ में ये जो घटनाएं तो चली रही थी, लेकिन जो दूसरी घटना जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है यहां पर वो चल रहा था। इस समय शक राज से गुप्त साम्राज्य का युद्ध चल रहा था, शकों का जो राजा था जो शक राज, उनके साथ गुप्त साम्राज्य का उस समय युद्ध चल रहा था जिस समय ये सारी घटनाएं घट रही थी। इस युद्ध में शकों की स्थिति बेहतर थी, मतलब शक बहुत ही बेहतर स्थिति में थे और शक राज ने युद्ध बंद करने के लिए जो संधि प्रस्ताव भेजा उसके अनुसार रामगुप्त को अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी शकराज को उपहार में देनी थी। तो क्योंकि उस समय जो रामगुप्त था वो बहुत ही डरपोक और कायर शासक था और वह चारों तरफ से घिर चुका था, शकों के द्वारा वह चारों तरफ से घिर चुका था और निश्चित रूप से वह उस युद्ध में मारा जाता। तो उन्होंने संधि का प्रस्ताव भेजा, शकराज ने संधि का प्रस्ताव भेजा रामगुप्त के पास कि यदि वह अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को उसे दे देता है तब क्या है, वह युद्ध समाप्त कर देगा। तो रामगुप्त ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया, क्योंकि रामगुप्त बहुत ही डरपोक था, उसको डर हो गया कि मैं युद्ध में मारा जाऊंगा, तो उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि
कि मैं अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शकराज को दे दूंगा। तो ध्रुव स्वामिनी ने, रामगुप्त ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया कि ठीक है मैं अपनी पत्नी को आपको देता हूं। ध्रुव स्वामिनी ने रामगुप्त से अपनी रक्षा की प्रार्थना की कि अपने कुल गौरव को बचाने की अन्ना विनय की, किंतु रामगुप्त ने अपनी निर्लज्जता प्रदर्शित करते हुए कायरों की भांति अपनी प्राण रक्षा के लिए शकराज के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब ध्रुव स्वामिनी को यह पता चला तो उसने अपने पति से बहुत ही अन्ना विनय किया कि मुझे वहां मत भेजिए करके और अपने कुल की रक्षा करिए करके। लेकिन क्या है, शकराज नहीं, लेकिन रामगुप्त क्या है, मानता नहीं, क्योंकि रामगुप्त बहुत ही कायर था, डरपोक का, वह भयभीत हो चुका था कि मैं कहीं मारा ना जाऊं युद्ध में। तो इसलिए वह अपनी पत्नी को देने के लिए तैयार हो जाता है और शकराज के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। ध्रुव स्वामिनी बहुत रिक्वेस्ट करती है बार बार। ध्रुव स्वामिनी का आत्मगौरव जागृत होता है और वह शक शिविर में जाने के लिए स्पष्ट इंकार कर देती है और कहती है, लेकिन ध्रुव स्वामिनी क्या है, वह तैयार नहीं होती। बहुत ही स्ट्रिक्टली वह बोल देती है, क्या बोलती है, यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते। तो यह बोलती है, इन पंक्तियों को आपको परीक्षा में जरूर लिखना चाहिए, हाईलाइट करते हुए ब्लैक कलर से। तो यदि ब्लैक और ब्लू दोनों कलर यूज करना अलाउ है तो इसको आपको जरूर वहां पर लिखना चाहिए। कई परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि यह किसका कथन है। तो ध्रुव स्वामी क्या बोलती है, यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा नहीं बचा सकते, नारी का गौरव उसकी मर्यादा और उसके सम्मान को नहीं बचा सकते, उसकी अस्मिता को नहीं बचा सकते, तो तुम मुझे बेच भी नहीं सकते। तो ध्रुव स्वामी अपने पति रामगुप्त को यह बोलती है। और इसके बाद वह क्या करती है, वह आत्महत्या करने को प्रस्तुत होती है, मतलब तैयार हो जाती है। वो बोलती है कि मैं तो उस राजा के पास नहीं जाऊंगी, शकराज के पास, और मैं आत्महत्या कर लूंगी। वह आत्महत्या करने वाली होती है। उसी समय क्या है, चंद्रगुप्त कहीं से आता है जो उसका देवर है फिलहाल, और उसे चंद्रगुप्त उसको रोक देता है। चंद्रगुप्त स्वयं स्त्री वेश धारण कर ध्रुव स्वामिनी के साथ शकराज के दुर्ग में जाता है और शकराज की हत्या कर देता है। इसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं कि ठीक है तुम्हें काम करो, तुम वहां जाऊंगी बोलो, तक पालकी मंगाई जाती है, उसमें बैठकर चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी के साथ बैठकर स्त्री वेश में शकराज के शिविर में चला जाता है और शकराज की हत्या कर देता है। तो यह प्लॉट है। अंत में धर्म परिषद का आह्वान किया जाता है और उसमें पुरोहित अपना निर्णय देता हुआ कहता है। धर्म परिषद मतलब उस समय क्या है, धर्म परिषद होती थी, विद्वानों की परिषद होती थी पुरोहितों की, जैसे हमारे यहाँ कोर्ट होता है, कोर्ट या न्यायालय होता है, जहां पर इस टाइप के मामले, यहाँ पर तलाक वगैरह के मामले में निर्णय लिए जाते हैं। तो धर्म परिषद बुलाई जाती है वहां पर, और उसमें जो पुरोहित है वो अपना निर्णय देते हुए कहते हैं। उस समय पुरोहितों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण था और इनका जो निर्णय होता था उसको अंतिम माना जाता था। तो उनका क्या निर्णय होता है, विवाह की विधि मतलब विवाह की जो व्यवस्था है, विवाह का जो कानून है, ने देवी ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया गया है। भ्रांतिपूर्ण बंधन में क्यों बांध दिया, क्योंकि वास्तव में वह उसकी मंगेतर थी, चंद्रगुप्त की, उसकी फियांसी थी, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि यह बेमेल जोड़ी बन गई। रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी के न तो लायक था और न ही कानूनी रूप से वह उसका पति बनने के योग्य था, क्योंकि वह उसकी मंगेतर थी चंद्रगुप्त की। धर्म का उद्देश्य इस तरह पद दलित नहीं किया जा सकता, मतलब धर्म के उद्देश्य को इस तरह पैरों के नीचे नहीं रौंदा जा सकता। धर्म बहुत ऊंची चीज है, इसे इस तरह पतित नहीं किया जा सकता। क्या रामगुप्त गौरव से नष्ट, जिसमें कोई गौरव नहीं है कुल का, आचरण से पतित, पतित आचरण है, शराबी है, डरपोक है, और कर्मों से राज किलबिसी क्लीव, भले ही यह राज परिवार में तो उत्पन्न हुआ है, लेकिन यह क्या, राज किलबिसी मतलब राज में उत्पन्न होकर भी, राजा के घर उत्पन्न होकर भी उस कुल को कलंकित करने वाला है, क्लीव है, क्लीव मतलब कायर है, डरपोक है, नपुंसक है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है, मतलब वह उसकी पत्नी आज से उसकी पत्नी नहीं है। परिषद के लोग रामगुप्त को गुप्त साम्राज्य के राज्य सिंहासन से भी वंचित कर देते हैं। चंद्रगुप्त राजा बनता है और उसका विवाह ध्रुव स्वामिनी से कर दिया जाता है। तो क्या होता है, उसको तलाक की अनुमति मिल जाती है। जो ध्रुव स्वामिनी है उसको रामगुप्त से तलाक की अनुमति मिल जाती है, उससे उसका डिवोर्स हो जाता है। और जो परिषद के लोग हैं, धर्म परिषद के लोग, वे रामगुप्त को गुप्त साम्राज्य के सिंहासन से वंचित कर देते हैं, हटा देते हैं। तो चंद्रगुप्त इसके बाद वहां का राजा बनता है और उसका विवाह ध्रुव स्वामिनी से हो जाता है। तो यह इसका प्लॉट है, इसकी कथा वस्तु है। तो आप समझ गए होंगे कि इसकी कहानी क्या है और आप लोगों को बहुत मजा भी आया होगा। अब यह दूसरा भाग है, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है, कथा वस्तु क्या है, एक प्रश्न पूछा जाता है और एक प्रश्न पूछा जाता है कि ध्रुव स्वामिनी
मतलब जयशंकर प्रसाद के जो ध्रुव स्वामी है उसका नाट्य शिल्प क्या है, मतलब क्या क्या विशेषताएं हैं, उसकी भाषा कैसी है, क्या यह नाटक अभिनय है, मतलब क्या इसे रंगमंच पर या थिएटर में इसको अभिनीत किया जा सकता है। तो इसको भी मैं संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं कि जयशंकर प्रसाद का नाट्य शिल्प क्या है। ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी का अंतिम नाटक है जिसकी रचना उन्होंने 1933 ईस्वी में की। प्रसाद के नाटकों पर प्राय यह आरोप लगाया जाता है कि वे पाठ्य अधिक हैं अभिनय कम। जयशंकर प्रसाद की नाटकों में जो सबसे ज्यादा बड़ा आरोप लगता है वह यह है कि इन नाटकों को किसी थिएटर में किसी रंगमंच में पात्रों के द्वारा अभिनीत नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह पढ़ने के लिए लिखे गए हैं, इनमें इसमें अभिनेता नहीं है, रंगमंच पर इसे अभिनीत नहीं किया जा सकता। मतलब ये पाठ्य अधिक हैं, पढ़ने योग्य अधिक हैं, अभिनय कम, मतलब उनको मंचित नहीं किया जा सकता। संभवतः इसी आलोचना को ध्यान में रखकर प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी जैसे नाटक की रचना की जो रंगमंच पर कुशलता के साथ अभिनीत किया जा सकता है। हालांकि यह उनका अंतिम नाटक है, 1933 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था, लेकिन इसमें उन्होंने उन सारी बातों और जरूरतों का ध्यान रखा जो किसी नाटक को रंगमंच में अभिनीत करने के लिए आवश्यक होते हैं। इन सारी बातों का उन्होंने ध्यान रखा हुआ है। तो ध्रुव स्वामी नाटक में उन्होंने यह सारी व्यवस्था बनाई, इतना बेहतरीन तरीके से लिखा है कि इसे रंगमंच पर कुशलता से अभिनीत किया जा सकता है। इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है देखते हैं। रंगमंचीयता की दृष्टि से, रचना शिल्प की दृष्टि से, नाट्य शिल्प की दृष्टि से इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं देखते हैं। पहला है नाटक की कथा वस्तु अर्थात प्लॉट 3 अंकों में विभक्त है। मतलब इसका जो प्लॉट है नाटक का कथा वस्तु है वह 3 अंकों में विभक्त है। कथा वस्तु रोचक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, संक्षिप्त है, मतलब बहुत ही छोटी है और गतिशील है, मतलब प्रवाह है, एक तारतम्य है, गतिशील है, मतलब एक बहाव है, इसको पढ़ते समय हमको बहुत ही अच्छा लगता है और हम पढ़ते चले जाते हैं कि अगले अंक में क्या होगा, अगले अंक में क्या होगा। अन्य नाटकों की तुलना में ध्रुव स्वामिनी नाटक की भाषा सरल है, प्रवाहपूर्ण है। अन्य नाटकों में इनकी जो भाषा है वह बहुत ही संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, संस्कृत शब्दों का प्रयोग उन्होंने बहुत ज्यादा किया है, लेकिन इसकी जो भाषा है वह सरल और प्रवाहपूर्ण है। फिर भी चूंकि इनकी भाषा कठिन ही होती है इसलिए हमको बार बार डिक्शनरी देखना पड़ता है। और तीसरा, संवाद भी छोटे छोटे हैं तथा दार्शनिकता से बोझिल नहीं है। इसमें जो इनका जो डायलॉग है, जो संवाद है, वह भी छोटा छोटा है और इसमें बहुत ज्यादा फिलॉसफी नहीं है, बहुत ज्यादा दार्शनिकता नहीं है। चौथा, गीतों की संख्या भी सीमित है। इसमें इन्होंने पहले इनके नाटकों में बहुत ज्यादा गीत हुआ करते थे, एक से बढ़कर एक गीत है, लेकिन इसमें गीतों की संख्या भी सीमित है। नाटक में यथासंभव अभिनय दृश्य है, अभिनय दृश्य मतलब ऐसे दृश्यों का इन्होंने यहाँ पर व्यवस्था की है जिन दृश्यों को बहुत ही आसानी से रंगमंच पर अभिनीत किया जा सकता है, थिएटर में मंचित किया जा सकता है कलाकारों के द्वारा, पात्रों के द्वारा। ऐसी घटनाओं का अभाव है जिन्हें रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं किया जा सके, जैसे युद्ध का दृश्य है तो इस टाइप के दृश्य प्राय इसमें नहीं है कि जिनको वहां पर दिखाया न जा सके मंच पर। इतने भव्य दृश्य की यह कल्पना करते थे कि उनको मंच पर मंचित किया जाना बहुत ही कठिन था, तो इस प्रकार के दृश्य यहाँ पर नहीं है। पात्र संख्या सीमित है जो अभिनय नाटक के लिए आवश्यक है, मतलब पात्र संख्या भी इसमें बहुत कम है, सीमित है, क्योंकि जब पात्रों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो जो दर्शक होते हैं उनके लिए वह बोझिल हो जाता है उतने सारे पात्रों को याद रखना। तो जो अभिनय नाटक के लिए भी एक जरूरी चीज वह क्या है, पात्रों की संख्या भी सीमित है। इसके बाद इस नाटक का उद्देश्य क्या है, नारी संबंधी समस्याओं को प्रस्तुत करना, और नाटककार अपने उद्देश्य में सफल रहा है। नारी संबंधी समस्या मतलब जैसे यदि कोई महिला जिसका पति क्या है बहुत ही शराबी है या फिर कायर डरपोक नपुंसक है, तो क्या उसको तलाक की व्यवस्था होनी चाहिए, क्या कोर्ट के द्वारा उसे तलाक मंजूर किया जाना चाहिए। आज भी हमारे समाज में आपने देखा होगा कोर्ट में कोई मामला जाता है तो डिवोर्स के कई कारण रहते हैं कि महिला अपने पति से किन किन कारणों से तलाक ले सकती है। तो उस समय भी यह व्यवस्था थी, जैसे किसी महिला का पति बहुत शराबी है, जुआड़ी है, या व्यसनी है, या फिर इम्पोर्टेंट है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या महिला को तलाक लेना चाहिए और क्या तलाक मंजूर किया जाना चाहिए। ऐसी सभी समस्याओं को इन्होंने उठाने का प्रयास किया है और वे इसमें पूरी तरह से सफल रहे हैं। समग्रतः ध्रुव स्वामिनी नाट्यकला की दृष्टि से सफल नाट्य कृति है। तो इस प्रकार हमने दो प्रश्नों को देखा इसमें कि ध्रुव स्वामिनी की कथा वस्तु क्या है, प्लाट क्या है, और दूसरा प्रश्न हमने देखा कि इसकी जो ये है अभिनेता इसमें है ना, नाट्य शिल्प क्या है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का जो प्रसिद्ध नाटक है उसका नाट्य शिल्प क्या है। तो इसमें इसमें दो प्रश्न है, एक तो कथा वस्तु और दूसरा है नाट्य शिल्प।
तो निश्चित रूप से आप संक्षेप में इसे समझ चुके होंगे। यदि मेरा आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। धन्यवाद।